हेलो फ्रेंड्स, आपने प्रेसिडेंट के बारे में तो सुना होगा। दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री टाइप, जिसमें पार्लियामेंट होती है, यानी प्राइम मिनिस्टर मेन होता है, और एक होती है प्रेसिडेंट टाइप गवर्नमेंट, जिसके अंदर प्रेसिडेंट मेन हेड होता है। लेकिन इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, तो इंडिया के अंदर इंडियन प्रेसिडेंट का क्या रोल है वो हम इस ऐसे में लिखेंगे। द इंडियन प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। पूरे स्टेट यानी कि पूरे के पूरे इंडिया का इंडियन प्रेसिडेंट हेड होता है, मुखिया होता है। ही और शी इज़ कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे इंडिया का पहला नागरिक कहा जाता है। ही इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव विद प्राइम मिनिस्टर्स टीम। मेन काम तो प्राइम मिनिस्टर की टीम, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी काम करते हैं, तो उस पूरी टीम को कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव टीम। तो वो यूनियन एग्जीक्यूटिव टीम के साथ में भी काम करता है। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, वो 5 साल के लिए उसका रूल होता है, वो 5 साल के लिए उसे ऑफिस प्रेसिडेंट रहता है। ही इज़ इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट सिस्टम ऑफ वोटिंग। प्रेसिडेंट का चुनाव करने के लिए सीक्रेट बैलेट सिस्टम होता है, जिसके अंदर जितने भी स्टेट्स की असेंबलीज होती हैं और जितने भी इलेक्टेड संसद के मेंबर होते हैं, वो सारे मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, जैसा कि अभी हुआ है कुछ दिनों पहले। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, वो सुप्रीम कमांडर होता है, जितने भी डिफेंस फोर्सेज हैं तीनों फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर होता है। आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड के अंदर कि किस तरीके से वो सलामी ले रहे होते हैं प्रेसिडेंट, तीनों फोर्सेस के चीफ से और सेना से। ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड चीफ्स ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस, वो चीफ जस्टिस और भी जजेस को और 3 फोर्सेस के तीनों चीफ्स का भी अपॉइंटमेंट करते हैं। ही कैन इम्पोज प्रेजिडेंट रूल, नेशनल एमरजेंसी और फाइनेंशियल एमरजेंसी, वो कभी अपनी इमरजेंसी पावर का यूज़ करते हुए किसी भी स्टेट में अगर अच्छे से शासन नहीं हो रहा है तो वो प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में जब वार लाइक सिचुएशन हो जाए तो वो भी लगा सकते हैं, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर पैसे की कमी आ जाए या कोई फाइनेंशियल दिक्कत आ जाए तो वो इमरजेंसी भी पूरे देश के अंदर वो लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट के पास में ये पावर होती है। टू इंट्रोड्यूस एनी बिल इन द पार्लियामेंट, हिज प्रायर रिकमेंडेशन इज नेसेसरी। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले, पास होने से पहले उनकी रिकमेंडेशन जरूरी होती है, उनके सिग्नेचर होने जरूरी हैं, और कोई भी बिल जब पास हो जाता है तब उसके ऊपर भी उनके साइन होने जरूरी हैं। ही कैन ग्रांट पार्डन अगेंस्ट पनिशमेंट फॉर एनी ऑफेंस और क्राइम, और वो किसी को माफ़ी भी दे सकते हैं। अगर किसी ने कोई केस चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, कोई क्राइम कर दिया है, तो उसको माफ़ी भी दे सकते हैं हमारे इंडियन प्रेसिडेंट, उसको कंसीडर करते हुए। रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू टुक ओथ एज द 15th एंड 2nd वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रेसिडेंट का पद संभाला है, जो कि इंडिया की 15वीं और 2री महिला राष्ट्रपति हैं।